गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनिल गौतम और आज बाली का ये सेकेंड लास्ट डे है हमारा। और आज के दिन जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन जगह घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमने कई बार डिस्कवरी चैनल में देखा होगा और कई बार हमने सुना भी है। मैं बात कर रहा हूँ ज्वालामुखी का, राइट, फॉल्केनो की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यू भी है और साक्षात आज अपने नग्न आँखों से पहली बार मैंने ज्वालामुखी देखा है, ठीक है। और ये 67 में एक्टिव हुआ था, 1967 में। और मौसम थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पे, जिसके कारण हो सकता है कि वो व्यू प्रॉपर आपको ना मिले, लेकिन कुछ हिस्सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरे को जस्ट टर्न कर रहा हूँ, मेरे बैक साइड में आप देखिएगा। ये जो मेरे बैक साइड में जो पहाड़ी है, जो मेरे पीछे पहाड़ है, बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है ये, ठीक है। और इस पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे आपको धुआं सा उठता हुआ नज़र आ रहा होगा, हल्का हल्का धुआं सा उठता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, जहाँ से धुआं निकलता है वो है, और नीचे आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। ये ज्वालामुखी का जो लावा नीचे की ओर बहता है और बहने के कारण ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है, और आपको कुछ पार्ट यहाँ ग्रीन भी नज़र आ रहा होगा, और लेकिन वो जो ब्लैक पार्ट है वो सारा ज्वालामुखी के लावाओं से ढका हुआ पार्ट है। और यहाँ पे हम लोगों ने बाली में कई जगह देखा है ब्लैक स्टोन, वो ब्लैक स्टोन इसी लावा का बना हुआ है। और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा यहाँ की खूबसूरती, जो मैंने एक अद्भुत चीज़ आपको दिखाई। इसके अलावा एक खूबसूरती जो व्यू पॉइंट से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे आप देखिए, बिल्कुल मेरे बिल्कुल पीछे एक और पहाड़ी। और यहाँ पे सेकंड ज्वालामुखी जो है, ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके जस्ट बैक साइड में है, लेकिन ये पहाड़ और जो ज्वालामुखी वाला जो पहाड़ मैंने आपको दिखाया इस साइड पे, इसके बीच में पाली का सबसे बड़ा झील वो है। और इस झील का व्यू हो सकता है मैं और बढ़िया तरीके से दिखाऊं। ये मैडम देखिए, ये मैडम मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये मैडम मुझे टी शर्ट बेचने के लिए आ रही हैं, राइट। आई एम इन कैमरा, आई विल टॉक टू यू आफ्टर लेटर, ओके। ये आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल झील पीछे, इन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा है। ये देखिए, से हाय 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 बोलिए, हाय हाय, ओके। वीडियो देन आफ्टर दैट आई विल टॉक टू यू। ये पीछे झील देखिए आप, दिख रहा होगा झील, बहुत ही बेहतरीन व्यू, बहुत ही बेहतरीन व्यू। ये देखिए ज्वालामुखी और लावा, आज मतलब ये चीज़ हम, मतलब मुझे लग रहा है कि ये पूरे बाली में जो हम हमारा 5 दिन 6 दिन का टूर रहा, उसमें से सबसे बेहतरीन पार्ट जो है वो ये है जो मैं आज देख रहा हूँ। और आज जहाँ 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 मेरा होटल है, उस होटल से यहाँ तक आने में करीबन 3 घंटे का सफ़र हमें तय करना पड़ा, और आधा सफ़र जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ था। और इतनी छोटी सी जगह, बाली जैसी जगह में मौसम और क्लाइमेट के इतना चेंजेस जो है, मैं मतलब विश्वास नहीं कर सकता कि इतना परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। और करीबन मेरे होटल से मात्र और मात्र यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 85 किलोमीटर का है, 85 किलोमीटर में इतना फ़र्क। और यहाँ पे कई सारे लोग को आप देख सकते हो जो हमारे साथ आए हैं, इनके पहनावे को देख के आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये हाफ टी शर्ट हाफ पैंट में आए हैं, और इवन मैं भी हाफ टी शर्ट में ही आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो तापमान है वो करीबन करीबन 7-8 के करीबन है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना फर्क 80 किलोमीटर के दरमियान। और मॉर्निंग टाइम में जहाँ हमारा होटल है, वो होटल का जो टेम्परेचर था वहाँ का करीबन करीबन 30 था, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 8 से लेकर 7-8 के बीच में टेम्परेचर है, मतलब अद्भुत क्लाइमेट यहाँ पे मतलब हम लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जस्ट 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर।
लेकिन क्लाइमेट के साथ साथ ये जो मेरे पीछे का नज़ारा जो है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। मैं चाहूँगा कि लाइफ में आप सभी लोगों को एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।